कहा बेटा ये आखिरी बार होना चाहिए, शरीर अपना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे लेडी पुलिस बहुत अच्छी बन सकते थे आप। अच्छा। हाँ सही में, झूठ नहीं बोल रहे मैं। अच्छा नहीं लग रहा अक्षिता भैया के प्यार में। हाँ। गाड़ी की चाबी लगो लेके लो भैया जाए ना। आज गाँव में पार्क नहीं होते ना? नहीं। नाइन। Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. आप सबका स्वागत है नए vlog पे। और अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस मेरठ वाले हाईवे पे। एक्चुअली क्या करे, ये जिंदगी ऐसे ही उतार चढ़ाव दिखाते रहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ प्योर साइन, मुझे लगता है साइन है मेच्योरिटी का, जब आप के घर में थोड़ी यू नो आई डोंट नो यार, आई जस्ट डोंट वांट टू नो, बट मैच्योर होते हैं तो तुम्हें थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है अपने घर वर का। जब मैं बच्चा था मैं आई एम वन ऑफ दोस किड्स जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था घर में, लाइक यू नो जाता भी नहीं था, कुछ नहीं करता था, लेकिन आफ्टर द मदर थिंग एवरीथिंग थोड़ा बहुत कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कह लो थोड़ा सा हो गया। द रीजन इज आई एम गोइंग मेरिट इज मेरे भाई का दोबारा से एक्सीडेंट हो गया है। एंड मुझे लगता है वो हर साल हर 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट करवाते हैं और हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसका, दैट्स अ थिंग। तो बस अभी मेरठ जा रहा हूँ, उसके काफी ऑपरेशन है अभी, बिकॉज रविंदर को कल बाय बाय करके आया, काफी टाइम लग गया उसको बाय बाय करने, बिकॉज उसके बाद मुझे रविंदर भी नहीं दिखेगा जब मैं दिल्ली वापस आऊंगा। सो पहले सोचा था कि उसको छोड़ के आऊंगा एयरपोर्ट पे एंड प्रॉपर यू नो आई विल फील दैट, जो होता है एयरपोर्ट छोड़ने के बाद ऐसा फील होता है अरे मेरे दोस्त मेरे यार रुक जा, एंड बट नहीं छोड़ पाए, इट्स ओके। आई थिंक जो भी है वो चला जाएगा अपने आप कैब में। अभी तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत ही सेक्सी रास्ता है ये मेरठ वाला। तो केला भी ले आया था सुबह सुबह, कुछ खा के नहीं आ पाया तो मैं केला लेके आ गया था कि केला खा लूंगा, अब केला खा लेते हैं। ये कैसा खून है पूछ लेना डॉक्टर से, क्या गंदा है? गंदा खून कुछ बोला कुछ? वैसे तो दिक्कत नहीं है ना। सुबह सुबह इतना हैवी डोज ब्रेकफास्ट बना दिया बाजी ने, है बाजी? हाँ, हैवी ना है, लवी नहीं खा के मोटी होती। अच्छा आप देख लो कितनी पतली हो रही है। नहीं अब फिर आओगे हम फिर मोटी कर देंगे। सुबह सुबह बुआजी ने खाना बनाया यार, अभी देखो हॉस्पिटल जाना है। मैं कह रहा बुआजी से खाने के बाद तो मैं सीधा ऐसा हो जाऊंगा बस सो जाओ अभी दोबारा से, है ना। एक्चुअली इतना सा हैवी सुबह सुबह अभी इतना बटर क्यों मेरे, आपको मेरे शरीर देख के लगा कि मैं इतना खाऊंगा। टाइम था जब बच्चों को ना, है ना भाई, सुना तो कि बच्चों को फोन से दूर करा जाता था। अब देखो फोन के पास बैठाया जाता है, दे दे भाई फोन दे दो क्लास में कर, छोटे बच्चे को मां फोन दे दे ले खेल ले। सही बात है। हां ये देखो बाजी की लड़की अपना आराम से ईशा पढ़ रही है, गरम है दूध काफी। ये हमारे भाई जो है रेगुलर कस्टमर हो गए इस हॉस्पिटल के, आते रहते हैं भाई साहब जी। अभी तो 7-8 महीने पहले आया, देखे थे 10 महीने हो गए भाई, कतई इतनी सारी दवाई दे दी हद होगी। अभी दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पे आया, आते भी तो आज बुआजी ने मिठाई दी हमें, क्यों दिया हुआ जी मिठाई है तो बताओ। ईशा पास होगी भाई, ये बोलो भाई लौंडिया पास होगी 10वीं में। वो देखो 10वीं पास होगी, उसे कोई खुशी नहीं, कह रही मैं स्कूल तो जाती नहीं, क्या पढ़ाई है ना, ना कुछ है भाई 94% आ गए। अरे तो बाजी ने मिठाई भी दिया देखो, अरे वाह बाजी चलो ठीक है भाई, प्रेम स्वीट्स की मेरठ से है ना, फेमस वाली प्रेम स्वीट्स ठीक है चलो बाजी। अच्छा हाँ मैंने कहा बेटा ये आखिरी बार होना चाहिए, शरीर अपना बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात और है, अगर जान है तो जान है। सही बात, कई बार तूने चोट लगवा ली, इसके बाद चोट नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगेगी, चिंता मत करो आप। हाँ बस हम ये मान के चल रहे कि बस इनका अंतिम बार आ रहा है इस तरह की चोट के लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है उपा जी चलो बाय 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 जी बाय शाह। स्वागत है, तो अभी मैं गाँव में एक्चुअली अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हम जा रहे हैं, एंड कहाँ जा रहे हैं देखते हैं, कहीं ये मीनिंग मंदिर है यहाँ पे तो उसके वहाँ पे ले जा रहे हैं मेरे को, मैं चलो घुमा के ले आते। कहाँ जा रहे हैं राशि बताओ? कुला मंदिर। क्या है वहाँ पे? शिव मंदिर। थोड़ा तो जोर से बोलो, देखो वैसे तो आप मंदिर। हाँ क्या करोगे आप वहाँ जाके भगवान को दर्शन करेंगे? ये हमारी दादी जी बैठी है, चाची जी दिख रही है, भी दिखाते आराम से करते हो आराम से, अक्षिता भी बैठी है आराम से पूरा करेंगे। सो बेसिकली गाइस पहले ये थोड़े पेड़ ये पेड़ अच्छा, तो पहले नहीं ऐसे चुप नहीं, मीनिंग पहले ऐसे यहाँ पे ये सारा वन होता था, तो अब यहाँ पे सबने खेत वेत बनाने शुरू कर दिए, अलग बात है।
चप्पल यहीं काट दो, चप्पल यहीं काट दो, काट ले काट ले काट। क्या ले रहे हो आप यहाँ से? बोलता नहीं फिर प्रसाद। चुपके चुपके से प्रसाद दिया जा रहा है क्योंकि बंदर अभी प्रसाद वगैरह। यशोदा जल ले जाएगा बंदर। आगे 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 चोरी करना आगे। सब बंद है कोरोना की वजह से, यहाँ पे लिखा भी है कि आप फूल पत्ती वगैरह कुछ चढ़ा नहीं सकते। हैं? क्या कर रहे हो अक्षिता? पानी, पानी जल का क्या करोगे? अच्छा भोले बाबा के ऊपर खुद की थोड़ी सी, ये अच्छी चीज करी देखा अक्षिता ने, थोड़ा थोड़ा डाल रही है बस बस। आधे लोग तो यहाँ 10-10 किलो चढ़ा के जाते हैं, बट मैंने बोला था कि थोड़ा ही चढ़ाना है ना भाई। हाँ। किसी को बाहर दे दो, बंदर को पिला दो, वो ज्यादा बेटर है ना अक्षिता। हाँ बंदर को पिला देना आप, बंदर को दे देना पक्का। ठीक है आज अक्षिता बंदर को देगी। डन। ये खास बात ये है, भगवान परशुराम जी ने तपस्या करी थी ना, तपस्या करी थी परशुराम जी ने जी। हाँ जी तो फिर ये शिवलिंग उसी टाइम का है जी जी। ओके अच्छे काम करवा रहा हूँ। हाँ बस 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 इधर है कुटिया। ये देखो पीले पीले बेचारा देख थैली खा रहा था है ना, अब अच्छा काम अब हुआ है, अच्छा काम अपने किया, पी लेगा वो पी लेगा। ये आगे देख ये कितना भाई मेरे को मिलेगा केला। बंदर हमारा भाई किसी के केले ले, ये मेरे से चिढ़ रहा है यार ये बंदर, इज सो एंग्री, बहुत चिढ़ रहा है मेरे से, बहुत चिढ़ रहा है बंदर। गाइस बंदर कौन सबसे अच्छे लगते हैं भगवान जी? अच्छा गणेश जी लगते हैं सबसे अच्छा, क्यों पता नहीं क्यों है। तो यार ये द्वार है जहाँ से मीनिंग कावड़िया वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। लिया मीनिंग कह रहे हैं हलवे की जगह क्या दे दिया? आलू। आलू दे दिया बताओ हलवे की जगह। है राशि तुझे लगा हलवा था है ना, हलवा लग रहा था ना? हाँ लग ही रहा था। मिर्ची ज्यादा, मिर्ची ज्यादा, मैं कह रहा हूँ चाची जी एक चीज तो है, अगर आप वैसे लेडी पुलिस बहुत अच्छी बन सकते थे आप। अच्छा। हाँ सही में झूठ नहीं बोल रहा मैं, मीनिंग आपका एक दबंग वाला रॉब है ना, तो अच्छी बन सकते थे यार सही में, है ना? मानते नहीं आप इस बात को, बोल भी पूरा थाड है इनका, पूरे अच्छे से स्ट्रॉन्ग तगड़ा बोल है, तो वही एक बोल दिया एकदम से सारे डर के भाग जाते हैं। तो खैर खैर अभी भी बच्चे बहुत डरते हैं सारे सब चीजें से, है ना? डरते हो ना राशि बहुत? कब पिटाई करी थी मम्मी ने आखिरी आपकी? ये नहीं डरती। अच्छा ये नहीं डरती, पापा से डरती होगी ये पक्का? ये तो किसी से नहीं डरती है, पापा से तो कोई भी नहीं डरता। क्योंकि हमारे चाचू थोड़े से नरम दिल है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बस शाम फिर गरम दिल है, फिर गरम दिल है। ये बात, ये बात। तो राशि ने हमारी इतने अच्छे काम किए आज, क्या किया राशि बताओ ना, आप ही बताओ क्या किया आज आपने राशि ने? हाँ राशि ने भैया के प्यार में हाँ। गाड़ी की चाबी लगो ली कि लव भैया जाए ना आज। हाँ मैं जाने वाला था एक्चुअली। हाँ। तो इसने क्या किया, इसने चाबी, और इतनी अच्छी हमारी शातिर ये राशि, इसने वहाँ पड़ोस में भी जाके पूछ के आ गई बच्चू थे, पड़ोस में पूछ आई। हाँ अनु को मेरे भैया की चाबी लगोई के। हाँ दृश्यम मूवी वाला सीन पूरा कर दिया इसने। फिर हमने फोन करा अपने बाबा जी को जो एस्ट्रोलॉजर है हमारे बाबा जी, तो उन्होंने बताया कि इसने लालच में छुपा रखी उसमें। मैं कह रहा ऐसे क्यों लालच में? तो इसका लालच ये था कि ये चाहती है कि प्यार इसका लालच था, है ना? आप चाहते थे मैं रुक जाओ इसलिए, है ना? डेढ़ दो घंटे हुए ढूंढते हुए, चाबी गाय चाबी गाय, इधर ढूंढ रहे उधर ढूंढ ली, पर मिली नहीं रही। फिर तो फोन करके थोड़ा सा लगा, नहीं तो हम तो चाबी वाले को बुलाने वाले थे। कोई आप बोलता मैं दिल्ली से कि चाबी ले गया, और घर पे दूसरी चाबी पड़ी हुई है। एक पे कर दो। मैंने अभी आज अपनी दाढ़ी काटी, तो यशो भी आया वापस ने शूटिंग से, तो कह रहे मेरी भी करो, मेरे को गंजा गंजा कर दे तेरे को। आ? पक्का रोएगा तो नहीं फिर कहे बाद में गंजा कर दिया मेरे को? अच्छा लगता है वो गंजा होना? चलो ठीक है। हाँ दादी मम्मी कह रही गंजा क्यों है? हाँ बाढ़ आ जाएगी दोबारा, की बड़ी बात होगी है ना? हमने तो इसके थोड़े बाल काट दिए, मुल्तानी लगा गंजा हो जाए, गंजा हो जाए पूरा।
गंजा हो जा भाई। अच्छा नहीं लग रहा अक्षिता बता, भैया ने अच्छा तो काट दिया था ना, बढ़िया काट। फोटो मेरे लगा दूंगी। यही है अक्षिता, ये क्या है यहाँ पे? क्या ये क्या है? गुरुजी का आश्रम। गुरुजी का आश्रम, आप भी गए इसमें? नहीं कभी नहीं गए? एक बार गए। अच्छा, गुरुजी का आश्रम हमारे घर के पास। गांव में पार्क नहीं होते ना? नहीं, गलत बात है ना, पार्क होने चाहिए ना। हाँ, होने चाहिए। हमारे एक्सरसाइज की मशीन भी होनी चाहिए। इसलिए देखो 400 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 400 मीटर तक आ गया है ना, और ऐसे कर करके 1 किलोमीटर होगा, तो इससे वो रहता है, इससे वो रहता है कि हाँ 1 किलोमीटर तक बना रखे हो गए ना उन्होंने। 1000 मीटर? कहाँ 1000 मीटर, 1000 मीटर तो यहाँ तक 1 किलोमीटर चल लिया मैं ना। हाँ। 1 किलोमीटर चल लिया। हाँ। पता भी नहीं चला। जुगनू की तरह बस तेरी आंखें ऐसे होती रहती है। दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस। हाँ, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। पुशअप लगा सकते हो आप? 10 पुशअप भाई के। खैर तू स्पोर्ट्स वाली लड़की है तो कर ही सकती है। 9 10 एक मिनट ऐसे रहो, एक फोटो खींच दो ऐसे नीचे करो। हाँ, पुशअप वाली सूज। ये चप्पल नहीं पहनती बस आज, चप्पल ही जूते पहनने। हाँ, जूते पहनने चाहिए थे। बड़ बढ़िया कर दिया, फोटो भी खींच ली हमने इसकी, बढ़िया। देखो बस खिला दो, उसे भी खिला दो। छोटा सा है ना पिल्ला, कहाँ है दिखाने दिखने। ए नू नहीं करते बेबी, आराम से आराम से। ऐसे मारोगी क्या? गंजू, हमारा गंजू भाई, बढ़िया है, बढ़िया है यू। हाँ? अच्छा, कौन सा गाना है? टेम्प्रेरी प्यार। आवाज नहीं बन रही अक्षय, आवाज नहीं कम हो सकती नहीं, अभी इतनी रहेगी। आज मंदी तो अक्षदा और इसको हम छोड़ के आ रहे हैं, है ना? बाय बाय अक्षदा, ध्यान रखना, और ओलंपिक में आप भी जाओगे देखना, ठीक है? हाँ। पक्का? पक्का, प्रॉमिस, पक्का। ये ब्लॉग दिखाओगे फिर मैं आपको बाद में? हाँ, ठीक है। चलो मैंने छोड़ के आते हैं, फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं। देखो गाइस, ये यहाँ पे आए अभी अपनी शूटिंग रेंज पे। आई एम श्योर। ओह देखो, दिस इज सो नाइस, शी टच्ड द फीट। यार ये कितनी अच्छी बात की उसने, अमेजिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप मेरे साथ चल लेना। एक मिनट, ये ट्रेन जा रही है, मैं कह रहा आप मेरे साथ, मेरे को बता देना, मैं आपके साथ चल लूंगा। और क्या? हाँ, मैं जब जाना होगा ना, मैं तुझे फोन कर दूंगी, तू आ जाना, ठीक?